हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि जो प्लांट में कटिंग और ग्राफ्टिंग ये दो तरीके होते हैं उनके रिप्रोडक्शन के, तो इसको इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों ही तरीके प्लांट में, प्लांट चाहे कटिंग हो और चाहे ग्राफ्टिंग हो, प्लांट को ग्रो कराने के लिए, प्लांट को रिप्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये दोनों ही एसेक्सुअल मेथड हैं, चाहे कटिंग की बात करें आप, चाहे ग्राफ्टिंग की बात करें। अगर हम कटिंग की पहले बात करें, और ये दोनों ही बहुत कॉमन मेथड है गार्डनिंग में, अगर आप देखेंगे तो कटिंग भी बहुत कॉमन है और ग्राफ्टिंग भी बहुत कॉमन है। अगर हम कटिंग की पहले बात कर लें तो कटिंग सिर्फ इतना सा होता है कि कटिंग में कोई जो प्लांट होती है जिसको हमें आगे रिप्रोड्यूस करना होता है, लगाना होता है, उसकी ट्विग को कट कर लेते हैं और उसको सॉइल में लगा देते हैं, सॉइल में दबा देते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, वाटर वगैरह जो कुछ भी उसको चाहिए वो देते हैं, और फिर वहाँ से फिर वो प्लांट ग्रो करने लगता है और उसमें नीचे से रूट ग्रो कर जाता है और फिर वो नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से एक प्लांट में से कई जगह से हम उसको कट कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो ये तो कटिंग हो गया। अब हम देख लेते हैं ग्राफ्टिंग, इसके कंपेरिजन में। तो ग्राफ्टिंग में होता है कि ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स यूज किए जाते हैं, उन दो प्लांट्स को आपस में इस तरह से बांध दिया जाता है, उन दो प्लांट्स को बांध दिया जाता है, उन दो प्लांट्स को कट करके फिर आपस में बांध दिया जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद दोनों प्लांट आपस में जुड़ जाते हैं और फिर वो एक प्लांट बन जाता है। अब उसमें आप दो प्लांट लेते हैं तो दो प्लांट अलग अलग वैरायटी के लेते हैं। जैसे एक प्लांट है, मान लीजिए फ्लावर का हम कोई प्लांट ले रहे हैं, तो एक लेंगे जिसमें फ्लावर ज़्यादा लगते हों, ज़्यादा फ्लावर की यील्ड होती हो, ज़्यादा फ्लावर की पैदावार होती हो, और दूसरा ले लेंगे जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, आसानी से उसमें बीमारियाँ ना लगती हों। तो हम जब दोनों प्लांट्स को आपस में ग्राफ्टिंग करके लगाएंगे तो जो निरेशन होगी वो इस तरह की होगी जिसमें ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स से वो आ जाएंगे। तो जो ग्राफ्टिंग होता है उसमें दो प्लांट्स यूज किए जाते हैं, और जो कटिंग होता है उसमें सिर्फ एक प्लांट को कट करके उसको लगा दिया जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो ग्रो कर जाता है। तो ग्राफ्टिंग और कटिंग दोनों ही चूंकि एसेक्सुअल मेथड है, इसलिए आपको इसमें वेट नहीं करना पड़ता कि उस प्लांट में पहले फ्लावर निकलेंगे, फिर फ्रूट और फिर सीड, और फिर आप सीड को लगाएंगे, फिर नया प्लांट बनेगा। इसमें आप उसको उसकी ट्विग को कट करते हैं और आप उसको लगा लेते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि जैसे कटिंग है, तो कटिंग आपने लगाई, अब उस जब कटिंग लगाई और फिर नया प्लांट बना, फिर उसकी भी आप उस प्लांट के ट्विग कट करके आप लगाएं, फिर उसकी कटिंग की आप कटिंग लगाएं, तो आप उसको कई पीढ़ी तक इस तरह से लगाते रहेंगे। तो फिर उस वो प्लांट जो है, अगर मान लीजिए रोज़ है, रोज़ की आपने कटिंग लगाई, तो कटिंग लगाई वो नया प्लांट बन जाएगा, फिर जो नया प्लांट बना उसकी कटिंग आपने लगाई तो फिर वो नया प्लांट बनेगा, फिर उसकी कटिंग लगाई फिर वो नया प्लांट बनेगा। तो वो जो रोज़ का फ्लावर है वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी गिरती चली जाएगी अगर आप इस तरह से एक ही कटिंग को बार बार लगाते रहेंगे। मतलब जो मेन प्लांट है उसकी कटिंग लगाई, फिर उस कटिंग वाले प्लांट की कटिंग लगाई, फिर उस कटिंग वाले प्लांट की कटिंग लगाई, तो उसकी क्वालिटी जो है वो लो होती चली जाएगी। जब आप मेन वाले प्लांट के फ्लावर से उसको कंपेयर करेंगे और जब वो दो तीन इस तरह से कटिंग लगा चुके होंगे, तो दो तीन पीढ़ियों में उसकी जब कटिंग लगाएंगे तो उसके दोनों के फ्लावर को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लावर की क्वालिटी गिर गई। लेकिन ग्राफ्टिंग में ऐसा नहीं होता कि फ्लावर की क्वालिटी गिर जाए। तो ग्राफ्टिंग और जो कटिंग, ये दोनों ही प्लांट को ग्रो कराने का, प्लांट को रिप्रोड्यूस करने का मेथड है, दोनों ही एसेक्सुअल मेथड है और दोनों ही बहुत इजीली और दोनों ही बहुत कॉमन मेथड है गार्डनिंग में। दोनों ही मेथड बहुत आसानी से यूज किए जाते हैं। और अगर एग्जांपल देखें तो हम रोज अगर देखें तो रोज गुलाब जो होता है उसको कटिंग में भी बहुत यूज किया जाता है और ग्राफ्टिंग में भी बहुत यूज किया जाता है। आम लोग उसकी कटिंग बहुत लगाते हैं, उसकी कटिंग, और आप जहां गार्डनिंग होती है तो वहां पर आप देखते हैं कि उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और जिनकी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।